मेरे साथ आगरा से नितिन भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बलराम मैं आपका रुख कर रही हूँ। कोई जानकारी आपके पास अभी मिल पाई हो, कुल कितने जिलों में पेपर लीक की बात सामने निकल कर आई जिसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा, क्या जानकारी अभी ताजा अपडेट? देखिए, कितने जिलों में पेपर लीक हुआ ये मामला नहीं है, अब तो पूरे यूपी में पेपर को रद्द कर दिया गया है और यही वजह है कि नोएडा हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे कानपुर हो, सभी जगह पेपर रद्द कर दिए गए हैं और बताया गया है कि एक महीने बाद ये पेपर दोबारा होंगे, जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जो परीक्षा केंद्र पर आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं और इस वक्त हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो खड़े हुए हैं बाहर और इस बात को लेकर के निराश हैं कि उन्होंने महीनों से मेहनत की थी इस पेपर को देने के लिए, लेकिन लगातार वो इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से अधर में उनकी परीक्षा छूटी है उसको लेकर के वो बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि सरकार को कम से कम ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए, जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, जो इस तरीके से पेपर आउट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि बच्चों को इस तरीके की परेशानी से ना गुजरना पड़े। जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपने परीक्षा दिया था यहाँ पे, क्या कहेंगी परीक्षा को लेकर के? दिया था सर, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है सर। अगर ऐसा कुछ था तो आप पहले से ही क्लियर कर देते, सुबह से न्यूज़ में आ रहा था तो सेंटर पे बुलाने की जरूरत नहीं थी ना सर। बहुत गुस्सा है सर। अब कहाँ से आए थे आप? मैं रोहिणी से आई हूँ सर। रोहिणी से? हाँ जी, रोहिणी रेठाला साइड। तो क्या आपका आधा पेपर हो गया था उसके बाद? जी, आधा कर चुकी थी मैं, 1 आवर का ऑलरेडी हम कर चुके थे सर पेपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि कुछ जो छात्र थे उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी भी की और ऐसा माना जा रहा था कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसको लेकर के कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, इसके लिए आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। लेकिन हम आपको परीक्षा केंद्र दिखाएं कि जहां पर आज ये परीक्षा में सभी निराश हैं, मायूस हैं और साफ तौर से ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी, लापरवाही कहां पर हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई हो। लेकिन अभी के लिए बड़ा झटका लगा है सभी परीक्षार्थियों को। आप रहिए हमारे साथ, नितिन के पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी खबर है, यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर सबसे बड़ा अपडेट है। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार करेंगे प्रेस वार्ता, अब क्या कुछ कहते हैं बहुत अहम है। एसीएस बेसिक शिक्षा दीपक कुमार भी रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, अब 11:30 बजे कहा यह जा रहा है कि प्रेस वार्ता होनी है, प्रेस वार्ता में तमाम पॉइंट्स बताए जाएंगे। यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द होने पर थोड़ी देर में प्रेस वार्ता होगी ये कहा जा रहा है, कुछ ही देर के बाद। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 11:30 बजे, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब बताया जाएगा कि अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है, ये बहुत बड़ी खबर है। जो परीक्षार्थी लगातार परेशान हैं वो अब ये पूछ रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी।